नमस्कार। गली से गलियारे तक, सड़क से मंत्रालय तक, हर खबर पर नजर, आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर। पहला सवाल है कि आपकी जन अधिकार पार्टी कितने सीटों पर चुनाव? महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 सीटें हैं। हम लोगों ने 20 या 22 फरवरी को हम लोग बैठेंगे अपने सभी महाराष्ट्र के पदाधिकारियों के साथ। तो हम लोगों की कोशिश है कि हम सभी सीटों पर लड़ें लोकसभा का चुनाव। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारी तैयारी कुछ कम जगहों पर हो पाती है तो हम कुछ कम जगहों पर लड़ेंगे। वैसे सब जगह एक जैसा है, वहाँ भी शुरुआत है, यहाँ भी शुरुआत है। तो उत्तर प्रदेश में भी हमारी कोशिश है कि हम सभी सीटों पर लड़ें, बिहार में भी हम चाहते हैं कि हम सभी। जो आपका सीक्वेंस है, इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स के हिसाब से आप लोगों को नाम लिखने होते हैं अल्फ़ाबेटिकली A to Z। 2014 के जो इलेक्शंस हुए उस रूल्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया। 279 सीट्स पे आप देखोगे कि नाम हर जगह पे चेंजेस हैं। हमने जब इसकी इंक्वायरी की तो हमको ये पता चला कि सबसे पहले अगर मशीन सेट होती है तो मशीन सेट होने के बाद ही नाम की गड़बड़ी होती है। तो हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ये बताएगा आपको कि ये किस तरह से नाम की चेंजेस की गई हैं। ये पिटीशन हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में, बताना चाहूँगा ये पिटीशन काफ़ी वॉल्यूमिनस है, हैवी पिटीशन है। ये हम लोगों ने एग्जिबिट एफ जो वो सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो सीट है, ये अक्कलकुआ की सीट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो हिसाब से सीक्वेंसिंग लगाई गई है बैलेट पेपर पे या ईवीएम मशीन्स पे, वो ये है। और ओरिजिनल जो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से सीक्वेंसिंग होनी चाहिए थी, वो हम लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। जब मशीन्स 6 महीने या 1 साल पहले ट्यून की जाती है, वो ट्यूनिंग करने के बाद ही आप ये नाम मैनिपुलेशन करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नाम ए से चालू होता है और किसी का नाम जेड से चालू होता है, तो लॉजिक और इलेक्शन कमीशन के रूल के हिसाब से 79 सीट्स पे देखोगे कि जेड फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरे नंबर पे कैसे आ गया, या यू है वो सेकंड नंबर पे कैसे आ गया किसी का नाम जो यू से स्टार्ट होता है, और ए जो पहले आना चाहिए था वो आखिरी सीक्वेंस में है। तो ये सब मैनिपुलेशन अगर आप देखोगे तो ये सब हमको पता चलता है कि जो स्टेट में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, मशीनरी को यूज़ मिसयूज़ किया गया है, यानी लोगों का वोट देना टोटली व्यर्थ है। यानी ये डिसाइड कर लेंगे कि किसको जीतना है किसको हारना है, तो लोग वोट दे के करेंगे क्या? तो पहला मुद्दा होगा जन अधिकार पार्टी का महिलाओं की सुरक्षा, जिसमें सरकार नाकाम रही है। और मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ जो पिछले 19 सालों से मेडिकल फील्ड से जुड़ी हूँ, और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उस पर मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। तो शोषितों, पिछड़ों और वंचितों की जो लड़ाई है वो जन अधिकार पार्टी लड़ेगी। और 2014 के बाद जो महाराष्ट्र में सरकार और सेंटर में जो गवर्नमेंट बनी है उनके वजह से, नोटबंदी के वजह से बेरोज़गारी ये बहुत बड़ा मुद्दा मुंबई सिटी का और ग्रामीण क्षेत्रों का, किसानों की आत्महत्याएँ ग्रामीण में अगर आप देखेंगे तो ये 2019 जो नया साल शुरुआत हुआ, अभी महीना भी ख़त्म नहीं हुआ और 20 आत्महत्याएं हो चुकी है। और इन्होंने कहा था कि हम किसानों को फसलों के दाम देंगे, हम कपास के दाम देंगे, हम गन्ने के किसानों को दाम देंगे, हम उस तोड़ कामगारों को जो दाम देंगे, उस तरीके के इन्होंने मतलब जो हामी भाव मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। 15 पैसा, आप बताइए 15 पैसे प्रति किलो प्याज किसानों को दाम नहीं मिला, और उसकी वजह से आज महाराष्ट्र में 20 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। जन अधिकार पार्टी उसके लिए भी अब आंदोलन करेगी महाराष्ट्र में।